तो हम लोग देख रहे थे भारत में राष्ट्रवाद, उसी क्रम में हम लोगों ने राष्ट्रवाद का कारण देखा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि गांधी युग क्या है ना। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के परिचय के बारे में देखते हैं। देखिए, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म जो था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, स्थान पोरबंदर, ठीक है, गुजरात। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था, जिनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई, पत्नी कस्तूरबा बाई। ठीक है, पत्नी की अगर हम बात करें तो कस्तूरबा गांधी थी। इन लोगों का जो शादी था 13 वर्ष की आयु में हो चुका था। ठीक है, इन लोगों की शादी जो है 13 वर्ष की आयु में हो गया था, और उस टाइम महात्मा गांधी का भी जो एज था लगभग 13 वर्ष था। तो बहुत कम समय में इन लोगों की शादी हो गई थी। आगे की अगर बात करें तो पत्नी हो गया, गुरु जो थे इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गुरु की बात करें तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनको कुछ उपाधियां मिली थी, जैसे महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इनका जो पढ़ाई था ये 1889 से 91 के पीरियड में इंग्लैंड में जाकर बैरिस्ट्री का पढ़ाई किए थे। बैरिस्ट्री का पढ़ाई कहाँ से किए थे? इंग्लैंड में जाकर किए थे। और कुछ पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। 1893 ईस्वी में ये पहली बार दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं एक केस के सिलसिले में। ठीक है, और वहाँ पे ये 1915 ईस्वी तक रहते हैं, और वहीं पे ये पहला सत्याग्रह करते हैं। प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो साउथ अफ्रीका में, कब? 1906 ईस्वी में। ठीक है, यहीं पे जाकर इन्होंने पहली बार देखा कि अंग्रेजी सत्ता के माध्यम से कैसे गोरे और काले में भेद किया जाता है। इनको ट्रेन में प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं किया गया, नहीं करने दिया गया। वहीं पर इन्होंने देखा, इनको पहली बार ट्रेन से उतार भी दिया गया, प्रथम श्रेणी से। ठीक है, उसके बाद भारत में वो आते हैं 1915 में। यानी भारत में महात्मा गांधी पुनः कब आते हैं? 1915 ईस्वी में, और यहीं से इनका युग शुरू होता है, प्रारंभ होता है। यहीं से ये धीरे धीरे भारतीय राजनीति में सक्रिय होते हैं और सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरते हैं। ठीक है, उसको आगे देखेंगे कैसे कैसे इनका मतलब चेहरा के रूप में इनको दिखा गया। आगे की अगर हम बात करें तो कभी कभी इनका युग 1917 से ही माना जाता है, कहीं कहीं मिल जाएगा 1915 से 1947, और कहीं कहीं 1917 से 1947। चूंकि वो भारत से 1915 ईस्वी में आए थे, इसलिए उनका युग 1915 से 1947 कहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने भारत में पहला आंदोलन जो किया था 1917 में किया था, इसलिए इनको बोला जाता है 1917 से 1947 का युग। ठीक, इसके बाद अगर हम कहें कि भारत में प्रथम सत्याग्रह इनके द्वारा कब किया गया था, तो 1917 में चंपारण। तो यहाँ से दो पॉइंट, प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका में हुआ था। दूसरा की बात करें, या भारत में पहला बात करें, भारत में पहला सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में, जो तीनकठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। इसको डिपली पढ़ना है। इसके बाद सत्याग्रह, बार बार ये शब्द आ रहा है कि सत्याग्रह क्या है, तो सत्याग्रह है सन सत्य और अहिंसा के माध्यम से किसी भी सरकार को अपनी बात मानने के लिए विवश कर देना, है ना। सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा के माध्यम से किसी भी सरकार को अपनी मांग मानने पर विवश कर देना। ठीक है,
1915 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, साउथ अफ्रीका में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इंग्लिश एम्बुलेंस सेवा उसको बोला जाता है, एम्बुलेंस सेवा के लिए। हुआ क्या था कि ये दौर जो था, जब ये भारत आए थे तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और इसमें इंग्लैंड जो था शामिल था, और चूंकि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था इसलिए भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का बहुत इफेक्ट आया, प्रभाव आया, जो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो थे ये क्या करते थे कि भारत के लोगों को ये सलाह देते थे कि आप जाकर प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से लड़िए, ये भारत के लोगों को बढ़ावा दिए इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए। इसलिए भारत में इनका बहुत विरोध भी हुआ। इनका मानना था कि अगर हम इंग्लैंड का सपोर्ट करेंगे तो वो हमारे साथ सपोर्ट की नीति अपनाएंगे, ठीक है। इसलिए इनको भारत में सर्जेंट कहा गया, युवाओं का सर्जेंट या सेना का सर्जेंट, भर्ती कराने वाला सर्जेंट, बहुत उपनाम दिए गए जो इनके लिए मतलब एक उपाधि के तौर पर निकला, ठीक। इन्हीं सेवा की वजह से अंग्रेजों ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि दी थी इन्हीं सेवा की वजह से, ठीक। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, जब 1918 में युद्ध खत्म हुआ, 1919 का एक्ट आया, तो भारत के लिए ऐसा कुछ नहीं था जो महात्मा गांधी अंग्रेजों से उम्मीद लगा के बैठे थे, तो ठीक उल्टा हुआ, इसलिए इनका और ज्यादा विरोध। महात्मा गांधी के संदर्भ में आगे की जो बातें हैं वो ये हैं कि महात्मा गांधी को भारत में पहली बार बोलने का मौका BHU के स्थापना के दौरान मिला, ठीक है, और वहाँ पर पहली बार उन्होंने किसान और मजदूरों के हित के बारे में बात किया, ठीक है, और ये इनका टर्निंग पॉइंट रहा भारत में राजनीतिक कदम के रूप में, ठीक है। पहली बार भारत में ऐसा हुआ था कि किसी भी सभा में मजदूर और किसानों के हित के बारे में बोला गया था, ठीक है, और इन्होंने ऐसा बोल के सभी मजदूरों को और किसानों को अपनी तरफ आकर्षित किया, ठीक। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में जो इन्होंने सत्याग्रह किया था या जो कदम उठाए थे उनके बारे में लगभग भारत के सभी लोग जानते थे, लेकिन जब भारत में आकर उन्होंने पहली बार मजदूर और किसानों के बारे में बोलना शुरू किया तो और भी ज़्यादा चर्चित हो गए, ठीक। चूंकि इनको एक ऑफिस के तौर पे राजनीतिक कदम बढ़ाने के लिए एक ऑफिस के तौर पे चाहिए था कुछ, इसलिए इन्होंने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का निर्माण किया, जहाँ से ये सारे राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखते थे, ठीक। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित कुछ प्रमुख समाचार पत्र एवं पुस्तकें, जैसे द इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ये समाचार पत्र था जो इन्होंने साउथ अफ्रीका से प्रकाशित किया था, द इंडियन ओपिनियन और हिंद स्वराज, ये दोनों जो था इन्होंने साउथ अफ्रीका में रहते हुए प्रकाशित किया था। इसके बाद हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सारे समाचार पत्र और पुस्तकें रहे जो महात्मा गांधी द्वारा प्रसारित किया गया, जिसमें इन्होंने अपना विचार रखा, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके द्वारा बहुत प्रमुख आंदोलन किए गए। आपको पता होगा पहले से भी कि भारत में स्वतंत्रता के जितने भी आंदोलन थे उसमें महात्मा गांधी का योगदान था, तो इनको आंदोलन को हम लोग कुछ पार्ट में बांटते हैं ना, किसान संबंधित आंदोलन, मजदूर आंदोलन और अन्य आंदोलन, ठीक है। किसान संबंधित आंदोलन जो था वो पहला था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ। दूसरा किसान आंदोलन जो था वो था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1918 में। मजदूर संबंधी जो आंदोलन हुआ उसमें मजदूर आंदोलन के रूप में अहमदाबाद मिल आंदोलन, ठीक है, अहमदाबाद की मिलों में मजदूरों को बोनस नहीं दिया जाता था, उसी क्रम में ये आंदोलन हुआ। इसको हम लोग पूरा डीपली सेपरेट पढ़ेंगे।
अन्य आंदोलन की अगर बात करें तो मुख्य रूप से जो था असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 1934 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। ये सब जो था महात्मा गांधी जी द्वारा समय समय पर अंग्रेजों के खिलाफ किया गया मांग के अनुसार, ठीक है। तो ये सारे इनके पॉइंट थे, कुछ आंदोलन, कुछ पत्र पत्रिकाएं और इनसे संबंधित कुछ बैकग्राउंड, ठीक। अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से इनके आंदोलन के बारे में, उसी में पूरा आपका ये चैप्टर है, इनके आंदोलन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला आंदोलन जो था चंपारण आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन को किसान आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, तो आगे हम बताते हैं कैसे कैसे इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंपारण।